बीते दिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वालों चंद्रयान 3 मिशन सक्सैसफुल होंदा और कामयाब होने तो बाद जिथे सारा देश इस चीज़ की खुशी मना रहा होंदा, विदेशों में बैठे भारती इस गल का माण महसूस कर रहे होंगे ने, उत्थे ही एक विदेशी पत्रकार वालों, बरतानवी पत्रकार वालों नफरतदायक इहोजा बयान, इहोजा पैगाम भारत वल घल्लिया जाता है जिस तों बाद बरतानवी हकूमत की नफरत दोबारा देखने मिल रही है। बरतानवी पत्रकार पैट्रिक क्रिस्टस अपने मुल्क दे विच खासा पत्रकार जाणिया जांदा है, पर उस वल्लों जिथे इसरो नू भारत नू इस गल दी बधाई दित्ती गई कि उसका चंद्रयान 3 मिशन सक्सैसफुल होया, कामयाब होया, उत्थे ही उसने ये चीज़ याद कराउण तो गुरेज नहीं की, इस चीज़ का मेणा मारन तो गुरेज नहीं की कि भारत नू पहला जी 2.3 बिलियन पाउंड की एड 2016 तो 2021 के दौरान की गई है बरतानिया वालों, वो मोड़ दी जाए। एक यहोजा कंट्री, एक यहोजा देश जिहड़ा अपना स्पेस रिसर्च प्रोग्राम फंड करन दे काबिल होवे, उसनू आउंदे सार जिहड़ा निर्धारित किया गया 57 मिलियन पाउंड का जिहड़ा एड हैगा वह भी नहीं देना चाहिए, इहोजियां टिप्पणियां करता नज़र आउंदा, व्यंग कसदा नज़र आउंदा अपनी वीडियो दे विच, और दुबारा वह वीडियो शेयर करता है कि उसनू बहुत ही ज़्यादा चंगा लग्या भारती ट्विटर नू इस तरह उत्तेजित करके, जिसके जवाब दे इवज दे विच ट्विटर दे उत्ते होर ज़्यादा हंगामा खड़ा हो गया, जिथे एक पासे पूरा देश और दुनिया जहान दे विच वसदे लोग इस गल की खुशी मना रहे, इस गल का माण महसूस कर रहे हैं कि भारत ने इसरो ने अपना चंद्रयान 3 सक्सैसफुल किया है और चन्न दे उत्ते कामयाबी दे नाल अपना रोवर लॉन्च किया। उत्थे ही बरतानिया का ये जिहड़ा पत्रकार हैगा पैट्रिक क्रिस्टस, इसका यह नफरत भरा लहजा जिहड़ा आ उह साफ तौर दे उत्ते व्यंग कसदा नज़र आया। खैर इस दे इवज़ दे विच जदों बयानबाजी शुरू हुई ट्विटर दे उत्ते तां कोहिनूर का जिक्र छिड़ गया, कोहिनूर वापस करन दी मंग छिड़ गई, जिहड़े भारतीय समर्थक सी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिहड़ा कोहिनूर अपने कोल दब के बैठे हो फिर वह वापस कर दो सब तो पहला, क्योंकि वह तो भारत का ही कोहिनूर हैगा ते वह बरतानिया क्यों रख के बैठा, वह वापस कर दिता जाए। लगातार ये जंग जिहड़ी है ये छिड़ी हुई है, पर कितना कितने बरतानिया अपनिया पुरानिया चालां ते खेड़दा नज़र आ रहा है, दोबारा इस तरह दियां टिक्का टिप्पणियां जिहड़ियां ने पर जोर चलदियां नज़र आ रही ने, ट्विटर उत्ते लगातार बयानबाजी जारी है। I would like to congratulate India on landing on the dark side of the moon. I would also like to now invite India to return the £2.3 billion foreign aid money that we sent them between 2016 and 2021. We're also set to give them £57 million next year. But I think the British taxpayer should keep hold of that, don't you? We should not be giving money to countries with a space programme. As a rule, if you can afford to fire a rocket at the dark side of the moon, you shouldn't be coming to us with your hand out. Subscribe to One India channel and never miss an update.